Anshu Srivastav, again you are watching my fitness channel Firelifters, an exclusive channel for fitness science. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं stiff leg deadlift के बारे में. Stiff leg deadlift जो होती है वो आपकी hamstring के लिए होती है. Hamstring को आपको जैसे deadlift में आप normal position में अगर आप आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके quads involved होते हैं. इससे compound movement, quads involved होंगे आपके, आपके hamstring involved होगी, आपके glutes involved होंगे, उसके साथ आपका lower पूरा back आपका involved होता है. तो इट्स अ कंपाउंड एक्सरसाइज. यहाँ पर जो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है इसको हम लोग केवल हैमस्ट्रिंग के पर्पज से करते हैं, जहाँ पर आपके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग पर अच्छा स्ट्रेस आता है. तो लेट्स सी कि कैसे हम लोग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट को परफॉर्म करते हैं. तो आइए देखते हैं. स्टिफ लेग डेडलिफ्ट को करने के लिए आपको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप डेडलिफ्ट करते हैं आपको उठाना वैसे ही हमें आपने शोल्डर वेट पर पकड़ा और इसको ऐसे उठाया. नाउ अब आपको हल्का सा आपके जो नीज होंगे वो हल्के से बेंड होंगे, बहुत लाइट, और आपको यहां पर बिल्कुल पास से पकड़ना है. नाउ आप स्ट्रेट खड़े हुए, अब आपको ये हल्के है, अब आपके लेग्स जो हैं वो स्टिफ रहेंगे, नीज आपके नहीं मुड़ेंगे बिल्कुल, और आपको पीछे की तरफ ग्लूट्स को पीछे की तरफ खींचना है और ये बॉडी को पूरा पीछे की तरफ खींचे. आपकी रॉड से आपके ग्लूट्स की दूरी बढ़ती जाएगी और आपकी बॉडी में नेचुरल कर्व बना रहना चाहिए. यहां तक लेके आना है एंड अगेन डाउन, अगेन आपके ग्लूट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं. यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं उस दौरान आपके जो ग्लूट्स हैं ऊपर की तरफ आने के केस में आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत जरूरी है. अगर मसल माइंड कनेक्शन नहीं होगा तो ग्लूट्स बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे. आपके जो लेग है वो स्टिफ रहने चाहिए, ये ऐसे मुड़ने नहीं चाहिए, या आपको ये आपके क्वाड्स नहीं इन्वॉल्व होंगे कि आपको बैठना है, ऐसा कुछ नहीं करना है. आपको जो है ये लेग्स स्टिफ रहेंगे और आपको ग्लूट्स पीछे की तरफ भेंगने हैं और ये नीचे की तरफ जाएगा, हैमस्ट्रिंग आपकी पूरी खिंचाव लेगी और आपकी ये नेचुरल कर्व पीठ का बना रहेगा. बैक का नेचुरल कर्व अगर आपका टूटा तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई होंगे. नाउ अब देखिए इसको कैसे परफॉर्म किया था. ये देखिए, ये आपके हैमस्ट्रिंग के लिए एक बहुत अच्छा वर्कआउट है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट. अगले वीडियो में हम आपको नई की और टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जो कि लेग से आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिलेटेड होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग फायर लिफ्टर्स एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस.